श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स सन 2002 से आपकी सेवा में। हमारा पता है मेडिकल कॉलेज के आगे, त्री रोड, सागर, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर 9827361116। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तो तब होती है जब ठान लिया जाता है। एमपी के सागर में प्रशासन ने कोरोना से जीतने की ठान ही ली है, तभी तो ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि प्रशासन किस तरह कोरोना से जीतने की कोशिश कर रहा है। एमपी के मुखिया किल कोरोना अभियान चला रहे हैं, लेकिन हमें तो लगता है कि किल की जगह चिल कोरोना अभियान चल रहा है। आपको बता दें कि सागर में पिछले 72 घंटे में 200 से भी ज़्यादा कोरोना के नए मरीज सामने आ चुके हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन भीड़ को कम करने में नाकाम साबित हो रहा है। इससे कोरोना बचेगा आपको देख के बताइए। हम कम से कम 200-300 स्टूडेंट से टच में आ रहे हैं, इसकी क्या सेफ्टी, कैसे कोरोना नहीं होगा? ये परीक्षा ही करवाई नहीं तो करवानी थी, फिर ऑनलाइन करवानी थी, इसके क्या ये जो एक को निकलेगा पूरा जन इसमें कोरोना पॉजिटिव आएंगे, इसकी क्या गारंटी है कि इससे कोरोना नहीं बचेगा? फिर इससे अच्छी आप हॉल में लेके परीक्षा ले लीजिए। मैं यहाँ पर अपने पेपर हो रहे हैं जो वो जमा करने के लिए आया हूँ। सोशल डिस्टेंस का पालन हो रहा है कॉलेज में या नहीं हो रहा? आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कैसी भीड़ लगी हुई है, ना यहाँ पर कुछ व्यवस्था की गई है सोशल डिस्टेंस के लिए, ना ही सर लोग खड़े हैं, ना ही यहाँ पर कुछ पानी की व्यवस्था है, ना ही कमरों की व्यवस्था दी गई है, जिससे कि लड़के बैठ कर अपने जो भी काम है वो पूरे कर सकें। यहाँ पर कुछ भी व्यवस्था नहीं की गई है, बट सोशल डिस्टेंस का कैसा उल्लंघन हो रहा है आप लोग देख ही सकते हैं। तस्वीरें सागर के आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज से सामने आई हैं, जहां सोशल डिस्टेंस की धज्जियां ही नहीं क्या क्या उड़ा आप तस्वीरों में देख सकते हैं। दरअसल यह छात्रों की भीड़ कॉलेज में असाइनमेंट जमा करने पहुंची थी, अब उन्हें क्या पता था कि कॉलेज में बारूद के ढेर पर बैठना पड़ेगा। बताया जा रहा है कि कॉलेज प्रबंधन ने असाइनमेंट जमा करने के लिए आज का दिन ही मुकर्रर किया था, जिसके चलते यहां हजारों की संख्या में छात्र जा पहुंचे, लेकिन व्यवस्थाओं के नाम पर निलवटे सन्नाटा ही सामने आया। जब हमने इस बारे में कॉलेज प्रबंधन से बात करनी चाही तो मासाब कैमरे से बचती नजर आए। कॉलेज प्रबंधन और प्रशासन की इन अव्यवस्थाओं के चलते ना जाने कितने छात्रों को कोरोना अपनी जद में ले रहा होगा। हालांकि यह तो कुछ नहीं, इससे ज़्यादा भीड़ की तस्वीरें तो नेताओं की सभा से सामने आ रही हैं, लेकिन इन भोले भाले छात्रों के भविष्य से इस तरह खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। वसीम कुरैशी के साथ शंकर विश्वकर्मा, सागर एक्सप्रेस न्यूज। सागर एक्सप्रेस न्यूज के वीडियो अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते हैं तो कमेंट भी लिखिए, और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।